से आइए नीचे से। मेरी मामा और आज दोनों पिंक पिंक बनी हुई है। क्या खेला मेरी एब्सेंस में? और गाइस एक ये आ गई हमारी, ये देखिए ये यहाँ से घुस रही है क्योंकि डैडी ने इतना सारा व्रत का खाना मंगा लिया, इतना सारा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ताशु के डैडी ने कितना सारा हम लोगों के लिए ना व्रत का खाना मंगा लिया है। और व्रत है बट इतना सारा खाना है कि हम दो देख रहे हैं आप यहाँ पे ना इतना सारा व्रत का खाना आ चुका है हमारा कि ये दो जनों के लिए नहीं, हम मतलब तीन चार जनों के लिए इनफ है। इतना ज्यादा खाना आ चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन कि क्या क्या खाना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ चटनी से गाइज। इसमें है बहुत वैरायटी चटनी की, और चटनी भी है और फ्रूट्स भी है। सो ये है अनार, ये है मीठी चटनी व्रत की, ये है इसमें ब्लैक पेपर का, ब्लैक पेपर पिसा हुआ, और ये ग्रीन चटनी है जो धनिया और पुदीने की बनी होगी। अच्छा, बाकी का तनिष्का दिखाई दी। तो गाइस इसमें है ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी है, ये जो ये आपको दिख रही है ग्रीन चटनी दो तीन ग्रीन चटनी है, और ये ये फ्राइड ग्रीन चिली है गाइस, और ये है फास्टिंग रॉ पपाया चटनी, ये पपाया की चटनी है, और गाइस ये है फास्टिंग रॉ, ये भी पपाया, ये भी पपाया की चटनी है, और इसमें है व्रत की पूड़ियाँ, ये देखिए इसमें ये है पालक पूरी, और ये भी आई थिंक पूरी है, दिखा दे रही ताशु इसको ओपन करो। ये भी फास्ट की पूरी है, और आई थिंक इसमें भी सेम वही है। सो इसको अभी फिलहाल ओपन नहीं करती, नहीं नहीं इसमें वो है। सो इसमें है गाइस ये है पनीर रोल्स, और ये अभी वो नहीं करना है, ये अभी पूजा अभी भोग लगेगा ना। सो ये तनिष्का मिष्का भी खा सकती है, बिकॉज तनिष्का की फेवरेट है ये पनीर रोल्स। और ये है मिष्टी दही, मीठा दही, इसमें है आलू की सब्जी, ये है घिया का रायता, और इसमें है व्हाइट पनीर की सब्जी जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें है इसमें मटकी में है, दिखाओ आपको दिखाती हूँ, ये एक मटकी है, इसमें पुलाव है, और गाइस ये ना उसका पुलाव है समा, जो समा के जो चावल होते हैं ना उसी का पुलाव बनाया है। और इसमें ना बहुत सारी वैरायटी है, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं, और उसी का है, और ये ना दही के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। सो अभी फिलहाल सो ये है हमारे ऑल खाने की वैरायटी, आज का मेन्यू ये होने वाला है, और माता रानी को लगने वाले हैं इतने सारे चीजों का भोग। तो पहले भोग लगाते हैं माता रानी को और फिर खाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज मेरी ना अभी शाम की पूजा नहीं हुई है, तो मैं शाम की पूजा डन कर लेती हूँ, और ताशु के डैडी भी तब तक आ जाएंगे, उसके बाद फिर खाने का स्टार्ट करेंगे। पहले माता रानी को मैं भोग भी लगा देती हूँ, और ताशु के डैडी का भी वेट करते हैं, उसके बाद फिर भोग लगा के खाना खाएंगे। और ये दोनों की दोनों ना अपने अपने खेलों में लग गई है। मिशु क्या कर रहे हो आप? ये आप ज्यादा नहीं खा पाओगे इसलिए मत खाना ताशु। सो यहाँ पे मैंने माता रानी का ना भोग प्रसाद ने रेडी कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। ये माता रानी की थाली तैयार है। Oh,
गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक विद अवर अनदर ब्लॉग. कैसे हो आप सब लोग? वी होप यू ऑल आर वेल फिट एंड फाइन. सो गाइज, यहाँ पे ना तनिष्का मिष्का भी उठ गई हैं और मैं तो सुबह की उठी हुई हूँ. सो गाइज, तनिष्का मिष्का की ना फ्रेंड बुला रही थी नीचे आज उन दोनों को भी, उनको भी कान जगह खाने. तनिष्का मिष्का चली गई हैं उनकी फ्रेंड के साथ कंजगे खाने के लिए. फ्रेंड आई थी और लेके चली गई है और मैं अब वेट कर रही हूँ थोड़ी देर में. जितने देर में ताशु के डैडी भी उठ जाएंगे फिर हम लोग, पूजा मेरी डन हो गई है, बस कंजगे बिठानी है. सो मैं सोच रही हूँ वो आ जाए उसी के बाद मैं बिठाऊंगी कंजगे. कौन से सब्सक्राइबर है? अच्छा, ओके. पे आ गई है हमारी प्यारी प्यारी कंजगा कंजगे खाकर. और सुबह से बेचारी ये उठ के गई हुई थी कंजगे खाने और आज तो इनका पेट फुल हो रहा होगा. है कंजगो, हमारे घर पे भी कंजगा थी और ये तब आई है तो फिर मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए रोका. मैंने कहा अभी रुक जाओ फिर जाना कंजगे खाने के लिए, है ना. अच्छा लगा तो गाइस दोनों ने खूब इंजॉय किया कंजगे खा के. और अच्छा लगा ना मिशु, है कहाँ कहाँ गए थे? अच्छा, मुझसे फोन पे बात कर रही थी. हाँ, सो गाइस अब ये दोनों ना इतनी थक गई है, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करते हैं. मैं बिकॉज सुबह 5 बजे की, मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था कि उठते उठते ना 5:30-5:30 तो हो ही जाएंगे और मैं तब से उठ गया. मेरा काम जो है वो 7:30 बजे तक रेडी हो गया था, 7:45 बजे तक. बट ताशु के डैडी ने थोड़ा सा डिले करवा दिया, वो थोड़ा सा लेट उठे. बट फाइनली अब हो गया है, अब बज चुके हैं 10:30. सो मैं अपने लिए एक कॉफी बनाती हूँ. प्रसाद हम लोगों ने खा लिया है, प्लेट्स यहीं पे रखी हुई है अभी. हाँ, ये पी लो. चलो फ्रूटी पी लो, अपनी लो फ्रूटी पी लो. चलो खाने का तो कुछ नहीं मन कर रहा होगा ना. सो गाइस इन दोनों को जाना है पार्क में. मैं कह रही हूँ फ्रूटी पी लो फिर पार्क में चले जाना, रेस्ट तो ये करेंगे नहीं मुझे पता है. अभी कल भी तो खाना है, आज तो अष्टमी है, कल नौमी. सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर. एंड जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलो. जय माता दी. और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, तनिष्का मिष्का जब तक पार्क में खेलती है मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ. टाटा.